दोस्तों डिसीजन रिव्यू सिस्टम या यूं कहें कि टीआरएस की हिस्ट्री बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, स्पेशली भारत के साथ, जहां सबसे पहली बार ये भारत और श्रीलंका के बीच हुए एक टेस्ट मैच में ही इस्तेमाल हुआ था। वहीं अगले कई साल तक फिर बीसीसीआई इसका विरोध करने लगा और आज तो आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में वाइट बॉल तक को रिव्यू कर सकते हैं। और बीसीसीआई को डीआरएस से क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ये विवाद सुलझा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए डीआरएस के इम्प्लीमेंट होने के पीछे कई इंसिडेंट्स को क्रेडिट दिया जाता है, जैसे कि 2005 की ऐशेज सीरीज जहां पर दूसरे टेस्ट में आखिरी विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के माइकल कैस्प्रोविज बैटिंग कर रहे थे और स्टीव हार्मिसन की बॉल ग्लव्स को टच करते हुए कीपर के पास गई और अंपायर बिली बॉर्डन ने इसे आउट दे दिया। लेकिन रिप्ले में ये देखा जाता है कि बॉल ग्लव से टच जरूर हो रही थी लेकिन माइकल का हाथ उस वक्त बैट पर नहीं था, जिस वजह से वो नॉट आउट थे। लेकिन अंपायर के लिए रियल टाइम में नोटिस करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। अब ऑस्ट्रेलिया ये मैच सिर्फ 2 रन से ही हारा था, जिस वजह से ये डिसीजन कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। इसके बाद 2008 की इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो आपको याद ही होगा कि किस तरह से अंपायर स्टीव बुकनौर के गलत डिसीजन की वजह से इंडियन टीम को नुकसान झेलना पड़ा था और स्टीव बुकनौर को बाकी के मैचेस से रिमूव कर दिया गया था। इसके बाद इसी साल 2008 में भारत जब श्रीलंका का टूर कर रहा था तब पहली बार इस टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात हुई थी और वीरेंद्र सहवाग हिस्ट्री में वो पहले बैट्समैन बने जिन्हें टीआरएस की मदद से आउट किया गया था। लेकिन डीआरएस अभी परफेक्ट नहीं था क्योंकि इस मैच में दिलशान ने जब एक बॉल को एच किया और कीपर ने कैच पकड़ी तो ऑन फील्ड एम्पायर ने उसे आउट दे दिया था, लेकिन डीआरएस ने यह डिसीजन ओवरटर्न कर दिया जो कि एक गलती थी क्योंकि उस समय तक स्निक ओ मीटर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि दिलशान ने बॉल को एज किया था जिस वजह से वो आउट थे। इसी तरह की इनकंसिस्टेंसी की वजह से ही बीसीसीआई ने इसके बाद डीआरएस का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसके बाद 2009 में आईसीसी द्वारा हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी को डीआरएस के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच की टेस्ट सीरीज में पहली बार इस्तेमाल होती है। लेकिन डीआरएस का विरोध कम नहीं होता, बीसीसीआई के अलावा बाकी बोर्ड्स की भी ये कंप्लेंट रहती है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और अगर आईसीसी को डीआरएस इंप्लीमेंट करना है तो उसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा, ना कि होस्टिंग नेशन को। इसके बाद 2010 में आईसीसी के ये अनाउंस करता है कि 2011 के वर्ल्ड कप में डीआरएस का इस्तेमाल किया जाएगा और सेमीफाइनल और फाइनल में हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी जबकि बाकी मैचेस में बॉल ट्रैकिंग का सहारा लिया जाएगा। लेकिन बाद में हॉटस्पॉट बनाने वाली कंपनी वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने से इनकार कर देती है और बिना हॉटस्पॉट के ही वर्ल्ड कप खेला जाता है। अब जून 2011 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक टेस्ट सीरीज होती है जिसके पहले मैच में ही अंपायर डैरिल हार्पर और धोनी के बीच में कई बार जमकर आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि बहुत सारे आउट डिसीजंस को अंपायर ने आउट नहीं दिया था, जिस वजह से इंडियन टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अंपायरिंग को काफी क्रिटिसाइज किया था। इसी मैच में प्रवीण कुमार को भी पूरे मैच से अंपायर हार्पर ने बैन कर दिया था और हाल ये हो गया था कि डैरिल हार्पर ने इंडियन टीम के रिएक्शन और आईसीसी के साइलेंस के बाद बाकी टेस्ट मैचेस में अपेयर होने से मना कर दिया था। वहीं दूसरी ओर आईसीसी की एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें डीआरएस पर डिसीजन लिया जाना था और इस मैच को मीडिया ने डीआरएस के फेवर में एक आर्गुमेंट की तरह लिया। लेकिन इसके बाद अगले टेस्ट मैच में जब फिदेल एडवर्ड्स की एक गेंद पर एमएस धोनी ने कैच उछाल दिया था तो वो आउट हो गए थे तो अंपायर ने धोनी को फील्ड पर ही रोक लिया और वो चेक करने लगे कि कहीं फिदेल ने लाइन क्रॉस तो नहीं की और बॉल कहीं नो बॉल तो नहीं है। थर्ड अंपायर ने सिग्नल किया कि बॉल बिल्कुल लीगल है और भारत ये मैच हार गया है। लेकिन बाद में पता ये चला कि जो रिप्ले थर्ड अंपायर को दिया गया था वो उस बॉल का नहीं था बल्कि उससे पिछली बॉल का था और जिस बॉल पर धोनी को आउट दिया गया वो एक्चुअली नो बॉल ही थी। अब यहाँ पर फिर से डीआरएस का विरोध करने वालों को मौका मिल गया और वो कहने लगे कि अगर अंपायरिंग की गलतियों को हटाने के लिए ही डीआरएस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो डीआरएस में भी तो गलती हो सकती है। ऑलरेडी बॉल ट्रैकिंग को लेकर बीसीसीआई बहुत खुश तो नहीं था और अब ये अलग कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। इसके बाद आईसीसी का बयान आता है कि थर्ड अंपायर या आईसीसी की इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि उन्हें जो रिप्ले दिखाया गया उसी के बेस पर डिसीजन लिया गया। ये इल्जाम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर डाल दिया जाता है जिन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया कि जो सीनियर टेक्नीशियन रिप्लेस हैंडल करता था वो ब्रेक पर था और उसकी जगह एक नए एम्प्लॉय ने ले रखी थी जिस वजह से ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी। पर इससे फिर ये सवाल उठने लगा कि अगर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ही रिप्लेस प्रोवाइड करने लगेगी तो हर देश में ब्रॉडकास्टर अलग होगा और एरर्स के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आईसीसी ने डीआरएस के रूल्स बताते हुए कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब डीआरएस सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है तब ब्रॉडकास्टिंग टीम के साथ
आईसीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में बैठता है जो यही ऑब्जर्व करने का काम करता है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, और अगर उस मैच में डीआरएस इंप्लीमेंट किया गया होता तो जरूर आईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव इस रिप्ले वाली गलती को पकड़ लेता। इस एक्सप्लेनेशन से कुछ वक्त तक क्रिकेट वर्ल्ड में शांति रही, और क्योंकि आईसीसी ने सभी इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस को मैंडेटरी कर दिया था, इसलिए जरूरी भी था। जून 2011 में आईसीसी ने ऐलान किया था कि डीआरएस हर ओडीआई और टेस्ट मैच में मैंडेटरी रहेगा, लेकिन हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल होगी तो इस्तेमाल की जाएगी। बीसीसीआई और हॉटस्पॉट के बीच में भी एक अग्रीमेंट हो गई थी, लेकिन फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज आ गई जिसमें बीसीसीआई दोबारा से डीआरएस की इनकंसिस्टेंसी से सेटिस्फाइड नहीं था, और ये विवाद भी इतना बढ़ता चला गया कि अक्टूबर 2011 में बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि वो इंडिया के होम ओडीआईज में हॉटस्पॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल सारा विवाद हॉटस्पॉट और बॉल ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजीज पर ही अटका हुआ था, क्योंकि इन्हीं को लेकर ट्रस्ट इश्यूज थे और हॉटस्पॉट की परफॉर्मेंस उस समय काफी बुरी थी। अक्टूबर 2011 में जब बीसीसीआई और आईसीसी के पुराने डीआरएस यूज करने के अग्रीमेंट को लेकर नए सिरे से एक बार बात होनी फिर से शुरू होती है, तो इस बार आईसीसी को बीसीसीआई की बात माननी पड़ी और उन्होंने डीआरएस के मैंडेटरी स्टेटस को हटा दिया और इसे बोर्ड्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो बिलेट्रियल सीरीज में डीआरएस यूज करना चाहते हैं या फिर नहीं। अब दोस्तों इसके बाद फरवरी 2012 में आईसीसी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हॉकआई और वर्चुअल आई नाम की दो टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना शुरू किया, और इन टेस्ट के रिजल्ट के बाद जून 2012 में आईसीसी ने फिर से एक बार डीआरएस को मैंडेटरी करने की बात कही और बीसीसीआई ने फिर से इसका विरोध किया। बीसीसीआई और आईसीसी का झगड़ा डीआरएस को लेकर 2016 के आसपास सुलझने लगा था, जब काफी वक्त तक डीआरएस में कोई नई गड़बड़ी नहीं देखी गई थी और बाकी बोर्ड्स की भी तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई थी। सभी जानते थे कि डीआरएस ही गेम का एक फ्यूचर है, क्योंकि क्रिकेट ही नहीं टेनिस से लेकर बाकी कई स्पोर्ट्स में डीआरएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया था, और तब बीसीसीआई ने भी एक ट्रायल के तौर पर इसे इंग्लैंड के भारत दौरे पर आए 5 मैचेस में इस्तेमाल करने का फैसला लिया था। इस समय टीम के कोच अनिल कुंबले थे जिन्होंने 2008 के उस टेस्ट में कप्तानी की थी जिसमें पहली बार डीआरएस का इस्तेमाल हुआ था, और डीआरएस का इस्तेमाल करने वाले पहले कैप्टन भी अनिल कुंबले ही थे। ये दर्शाता है कि भारत में डीआरएस को एक्सेप्टेंस पाने के लिए कितना लंबा सफर तय करना पड़ा था। अगर हम आज के समय को देखें तो बीसीसीआई को डीआरएस को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थी अब वो सभी दूर हो चुकी है। इसी बीच इस टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट्स भी देखे गए हैं जिसने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि डीआरएस इस गेम में रहने वाला है। बीसीसीआई की एक अच्छी बात यह है कि जब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया था तो फिर खुले दिल से एक्सेप्ट किया था। अब आईपीएल में तो डीआरएस इस्तेमाल होता ही है, लेकिन साथ ही रणजी गेम्स और बाकी सभी दूसरी डोमेस्टिक लीग में भी डीआरएस का इस्तेमाल बीसीसीआई ने शुरू कर दिया है। डीआरएस को भारत ने इस कदर अब अपना बना लिया है कि कुछ समय तक डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम तक कहा जाने लगा था, क्योंकि धोनी का सक्सेस रेट डीआरएस से काफी हाई था। लेकिन अभी भी डीआरएस के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज रह गई हैं, जैसे कि अंपायर्स कॉल। अब आईसीसी ने लो हाइट कैचेस और बाकी तरह के डिसीजंस के लिए तो अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल को बंद कर दिया है, लेकिन LBW डिसमिसल में अभी भी अंपायर्स कॉल का काफी रोल रहता है। इस पर प्लेयर्स या बोर्ड्स खुले तौर पर पब्लिक में बात तो नहीं करते, लेकिन समय समय पर अंपायर्स कॉल को लेकर आईसीसी के अंदर भी कई सवाल उठते रहते हैं, और अभी भी ये डिबेट का विषय है कि क्या बॉल ट्रैकिंग को अंपायर्स कॉल से ज्यादा करने का कॉन्फिडेंस आईसीसी के पास है, या फिर आने वाले समय में भी अंपायर्स कॉल गेम का हिस्सा रहने वाली है। आपको अंपायर्स कॉल के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।